काफ़ी दिन पहले की बात है, दो भाई रहते थे। ये दो भाई एक बिल्डिंग के 80th फ्लोर पे रहते हैं, मतलब 80 के लेवल के जो फ्लोर है वहाँ पे रहते थे। एक दिन काम से लौटते वक्त जब घर वापस आ रहे थे तो उनको पता चला कि लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, अभी उनको पूरा चढ़ना पड़ेगा अप टू 80th फ्लोर, 80 के लेवल तक उनको चढ़ के जाना पड़ेगा। ये सोच के ही उनके मन में घबराहट होने लगे। फिर इन दोनों ने चढ़ना चालू किया। चढ़ते चढ़ते कैसे भी करके 20th फ्लोर तक चढ़ गए। फिर वो लोग सोचे कि भाई इतने सारे सामान लेके क्यों चढ़ रहे हैं, बहुत सारा एनर्जी जा रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जितने सारे सामान हैं उसको वहीं पे छोड़ दे और कल आके, मतलब नेक्स्ट डे आके लेके जाए। तो दोनों भाई ने डिसाइड किया और अपने सारा बैगेज 20th फ्लोर में छोड़ दिया। फिर किसी भी तरह वो लोग 40th फ्लोर तक चढ़ गए। जैसे ही 40th फ्लोर चढ़े तो छोटे भाई ने झगड़ा करना चालू किया। तो दोनों भाई आपस में झगड़ते झगड़ते देखे कि झगड़ के कोई फ़ायदा नहीं, बहुत एनर्जी जा रहा है, बस इतना टाइम हो गया, बस 60th फ्लोर तक ही चढ़े, 60वें लेवल तक ही चढ़ सके हैं। तो दोनों ने डिसाइड किया कि अभी हम लोग अभी झगड़ा नहीं करेंगे तो आराम से चढ़ सकते हैं। तो ऐसा डिसाइड करके दोनों भाई चढ़ने लगे। फिर एकदम से आके पहुंच गए अपने जो मंजिल था 80th फ्लोर में, पहुंच गए दोनों। पहुंच के अपने घर के सामने दोनों भाई खड़े, एक दूसरे को देख रहे कि कौन चाबी निकाल के घर का दरवाज़ा खोलेगा। तभी उन लोगों को याद आया कि चाबी तो बैग में है, जो कि 20वां महिला है ना, 20th फ्लोर पे छोड़ के वो लोग आए। इसे हमें लाइफ में क्या रिफ्लेक्शंस मिलते हैं। द स्टोरी इज रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर लाइफ कि बहुत सारे हमारे बीच में, बहुत सारे मेनी ऑफ अस, हम लोग अप टू 20 बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, प्रेशर्स और टेंशन में रहते हैं। जब 20 साल होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं, फिर अपना ड्रीम का पीछा करते हैं। बहुत एंथुजियास्टिकली, बहुत एनर्जेटिकली हम लोग अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अभी कोई प्रेशर इतना नहीं रहता है। जब हम 40 ईयर्स हो जाते हैं, फिर हम लोग एक लाइफ जीते हैं, एक अनसेटिस्फैक्ट्री लाइफ जैसे होता है वैसे जीना चालू करते हैं। हम अपना विजन, ड्रीम सब भूल चुके हैं, हर चीज़ में हम कंप्लेन करते हैं, एक डिसटिस्फैक्शन जैसा लाइफ जीना चालू करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे चलते चलते हम लोग 60 तक पहुंच जाते हैं। जब 60 तक पहुंच जाते हैं, हमको लगता है कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है कंप्लेन करके या डिसटिस्फैक्शन दिखा के, अभी शांति से रहना है, जो है उसमें खुश रहना है। लेकिन हम खुश नहीं रह पाते, क्योंकि हमारा जो ड्रीम है हम 60 ईयर्स से पहले ही छोड़ चुके होते हैं। जब हमारा ड्रीम ही फुलफिल नहीं है और वो अपने मन में दबके है, तो हम खुशी से कभी नहीं जी सकते। सो व्हाट इज योर ड्रीम, फॉलो योर ड्रीम्स सो दैट यू विल नॉट लिव विथ रिग्रेट्स। जो भी आपका ड्रीम है उसको फॉलो कीजिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, जहाँ से हेल्प लेना है आप हेल्प लीजिए, लेकिन अपने ड्रीम को कभी मत छोड़िए। अगर आपने ड्रीम छोड़ दी और ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करना चालू कर दिया तो शायद कोई लेवल पे आप खुश रह पाओगे। तो फ्रेंड्स, व्हाट्स योर ड्रीम एंड लिव इन योर ड्रीम ओनली। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल PM@HRD। थैंक यू फ्रेंड्स।